अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ यार आपके सामने TCP/IP मॉडल लेके, जिसमें हम समझेंगे कि ये मॉडल कैसे काम करता है। यार आपने वैसे तो काफी सारी जगह ये मॉडल देखा होगा, पढ़ा होगा, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको नहीं मालूम, राइट। इससे पहले OSI मॉडल मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसके बाद TCP/IP जनरली पढ़ा जाता है। तो आखिर क्या है ये TCP/IP मॉडल, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कितनी लेयर्स होती हैं, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेंगी यार, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो इस लेक्चर को आपने एंड तक देखना है ताकि आपके नेटवर्किंग के जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यार TCP/IP मॉडल जो है ना, ये बुनियाद है। अगर आपके एक बार ये समझ आ गई तो फिर कोई मसला आपको नेटवर्किंग के साथ नहीं होने वाला है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं TCP/IP मॉडल और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, राइट। तो यार ये जो थ्योरी मैंने लिखी है इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, बट पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि TCP/IP मॉडल और इससे जो एक और इसका हमारा रेफरेंस मॉडल है OSI मॉडल, दोनों में लेयर्स में क्या डिफरेंस है, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मैं अभी आपको बताता हूं, राइट। तो TCP/IP की जो फुल फॉर्म है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है TCP/IP मॉडल। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को मिला के हमने, देखिए दोनों एक अलग अलग प्रोटोकॉल है, ये एक अलग प्रोटोकॉल है, ये एक अलग प्रोटोकॉल है, बट इन दोनों को एक साथ ही इस्तेमाल करेंगे तभी आप इंटरनेट पे कॉम्युनिकेशन करा पाएंगे। तो अब हम अपने बुनियादी सवाल पे आते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल कहां होता है। तो मैं आपको बता दूं कि दो डिवाइसेस जब इंटरनेट पे कॉम्युनिकेट करेंगी तब आप इस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, या आप ये कहें कि जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट की हेल्प से बात कर रहा होता है तो वो इसी मॉडल को फॉलो कर रहा होता है। टीसीपी और आईपी इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन रखा गया है क्योंकि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे सपोर्ट करता है और आईपी जो है ये नेटवर्क लेयर पे सपोर्ट करता है। तो दोनों लेयर पे एक एक प्रोटोकॉल है जो सपोर्टिंग मॉडल है, ये हमें एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कराता है, डेटा प्रॉपरली जा रहा है नहीं जा रहा है, उसका सीक्वेंसिंग क्या है, और आईपी उसके डेस्टिनेशन, उसका रूट क्या होगा, वो किस पाथ से होता हुआ जाएगा, डेस्टिनेशन का आईपी क्या होगा, राउटर का हमारा सेंडर का आईपी क्या होगा, इन सारी चीजों को मैनेज करता है। इसीलिए इन दोनों प्रोटोकॉल्स को, दोनों अहम प्रोटोकॉल को मिला के हमने इस मॉडल का नाम दिया है TCP/IP मॉडल, राइट। एक बात और बड़ी दिलचस्प बातें मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूं। देखिए मैं सबसे पहली बात जो दुनिया भर में गलत पढ़ाई जाती है मैं पहले वो आपको बता दूं। आप जहां भी हैं, जिस भी कॉलेज में हैं, जिस भी मुल्क में पढ़ते हैं, आप चाहे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में पढ़ते हैं, आप नेपाल में पढ़ते हैं, बांग्लादेश में पढ़ते हैं, या फिर और जो हमारे यूरोपियन मुल्क में जहां हमारे हिंदी और उर्दू अदब के लोग पढ़ते हैं, मैं उन सबको एक दिलचस्प बात आज बताना चाहता हूं कि यार हमें ना ये पढ़ाया जाता है जब नेटवर्किंग पढ़ाई जाती है कि बेटा पहले OSI मॉडल आया था जो हमारा रेफरेंस मॉडल था, और इसी रेफरेंस मॉडल से जो है इसी रेफरेंस मॉडल से हमारा TCP/IP इवॉल्व हुआ है या बना है, राइट। आपको ऐसा बताया जाता है या जनरली आपने ऐसा सुना होगा कि ये OSI एक रेफरेंस मॉडल है, इसे हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया, इंप्लीमेंट हुआ था TCP/IP जो इसी से बना है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि ये बात, सॉरी मेरा एक्साइटमेंट में कई बार ना चीजें माइक इधर से उधर हो जाती है, तो चलिए तो मैं आपको बता दूं कि OSI और TCP/IP भैया इन दोनों के बीच में ना कोई ताल्लुकात नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई ऐसी कहानी ही नहीं है कि OSI से TCP/IP आया था या इवॉल्व हुआ था। मैं आपको दोबारा बता दूं, ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। दोनों के जब मॉडल बन रहे थे तो भैया दोनों को नहीं पता था कि वो क्या बना रहा है और ये क्या बना रहा है। मैं अभी प्रूफ भी करूंगा, राइट। OSI मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है, जहां आपको दुनिया में कहीं भी आप पढ़ लो, आप दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाओ और आप बोलोगे कि हाउ मेनी लेयर्स इन OSI मॉडल, तो जवाब एक ही आएगा, भैया 7 लेयर्स, ठीक है। बट जब आपसे पूछा जाएगा कि TCP/IP के अंदर हाउ मेनी लेयर्स इन TCP/IP मॉडल, तो आप कहेंगे जनाब 4।
हो सकता है आप में सभी कुछ लोग कह रहे हो सर पांच होती है मेरे ख्याल से, मैंने तो फराउजन में पढ़ा है वहां पे पांच लेयर है, तो फिर भैया आप भी सही हो अगर आप पांच कह रहे हो। आपने अगर फराउजन पढ़ी है जो डेटा कम्युनिकेशन की बुक आती है जो तमाम मुल्कों में हमारे चलती है, तो वहां पे आपको पांच लेयर मिलेंगी। आप अगर टेनेनबॉम पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको चार लेयर मिलेंगी। अब यहां तो बात बिल्कुल ठीक है, यहां तो सात बोला है, हर किताब में सात बनी होती है, पर टीसीपीआईपी में चार या पांच, कोई कहता है चार बनी है, कोई कहता है पांच बनी है, ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसीलिए है मेरे भाई क्योंकि ये इससे नहीं बना है, पहली बात, अभी और भी आगे बताऊंगा मैं। तो ये एक्चुअली हुआ क्या था, अब जरा कहानी में चलते हैं। 1980 के आसपास की बात है, 70 या 80 के दशक में जब ये मॉडल डेवलप किए जा रहे थे, तो ISO ने इसको डेवलप किया था और TCP/IP को जनरली अमेरिकन जो डिफेंस है जिसका नाम ARPA, जो उनका DOD है, अमेरिकन डिफेंस जो है, वो इसको डिजाइन कर रहे थे TCP/IP मॉडल को और इसकी पूरी एक कि किस तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए। और क्यों वो इसको डिजाइन कर रहे थे? बिकॉज उस वक्त तक प्रॉब्लम ये थी कि हमारे जो डिवाइसेस थे वो डिपेंडेंट थे, यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ी बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं तो आप ऐसे समझिए कि डेल का लैपटॉप सिर्फ डेल के लैपटॉप के साथ बात कर सकता है, वो लेनोवो के साथ बात नहीं कर सकता, राइट? या फिर आप कहें कि भैया डेल का लैपटॉप जो है वो HP के लैपटॉप के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ HP का लैपटॉप सिर्फ HP के साथ कम्युनिकेट करेगा। यानी ये एक मसला था उस जमाने में कि वो कंपनी का ही डिवाइस आप खरीदेंगे और दूसरा डिवाइस भी उसी कंपनी का होना चाहिए तभी वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, राइट? तो एक डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, तो इस डिपेंडेंसी को हमें खत्म करना था कि हम कोई भी किसी भी कंपनी का सिस्टम खरीदे और उसे चलाए वो डिपेंडेंट ना हो, हार्डवेयर डिपेंडेंट ना हो, तो ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न था उस जमाने में, राइट? तो अमेरिकन डिफेंस ने इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश की और उन्होंने कहा यार हमने बनाना है। ऐसे OSI मॉडल भी एक जगह रिसर्च हो रही थी सेम काम के ऊपर कि यार हमने एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो पूरी दुनिया अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट करे और आपस में कम्युनिकेट कर सके। पहले के जमाने में होता यह था कि अमेरिका का कंप्यूटर अमेरिका के कंप्यूटर से बात कर सकता था पर यूरोप के कंप्यूटर से बात नहीं कर सकता था क्योंकि उस टाइम यह मॉडल नहीं था, उस टाइम कोई यूनिफॉर्म सॉल्यूशन हमारे पास नहीं था, तो इस वजह से बड़े सारे मसले आते थे और कम्युनिकेशन बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता था। तो अमेरिकन डिफेंस ने एक मॉडल बनाने की कोशिश करी और दूसरी तरफ ISO जो है वो अपना एक मॉडल बना रहा था। दोनों में फर्क ये था कि OSI वालों का जो फोकस था ना, उनकी टीम ऐसी थी जैसी हमारी यूनिवर्सिटी की टीम होती है जो कहती है भैया ऑन पेपर काम बहुत बढ़िया होना चाहिए, भले ही आप 100 में से 10 नंबर लेके आ रहे हो एक्सटर्नल में मुझे मतलब नहीं है, पर प्रैक्टिकल फाइल पूरी होनी चाहिए, आपको असाइनमेंट जो दिए ना वो पूरे होने चाहिए, नहीं तो मैंने आपका खून पी जाना है। तो वो जो यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर होते हैं ना जिन्हें क्वालिटी से मतलब नहीं है, जिन्हें काम से मतलब नहीं है, जिन्हें पेपर वर्क से मतलब है, वो यहाँ पे बैठे हुए थे, राइट? OSI मॉडल जो बना रहे थे, तो उन्होंने कहा भैया पहले ना एक काम करो, ये डॉक्यूमेंटेशन बड़ा बढ़िया कर लो आप एकदम डिफाइन करके कि ये लेयर क्या करती है, ये क्या करती है, बाद में देखेंगे इंप्लीमेंट कैसे करना है। अच्छा, दूसरी तरफ एक टीम थी अमेरिकन डिफेंस जिनका काम था कि यार जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन दो, कम्युनिकेशन कराना स्टार्ट करो, पेपर वर्क को छोड़ो यार, बिकॉज ये एक अप्रोच होती है एक साइंटिस्ट की या एक रिसर्चर की कि वो आउटपुट पे फोकस करता है, पेपर वर्क पे फोकस नहीं करता, राइट? और हमारा एजुकेशन सिस्टम इसी में नीचे जा रहा है क्योंकि हम पेपर वर्क पे फोकस करते हैं। हमारा इंजीनियरिंग का बच्चा जो है पेपर में ज्यादा परसेंटेज लाने की सोचता है, ये नहीं सोचता या प्रोफेसर का ये फोकस नहीं होता कि बेटा आप बुनियादी सवाल को समझो, मार्क्स भले ही आपके 10% कम रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों जो अप्रोच है ना, ये इस चीज को भी मैं आपको बता दूं कि ये इसी चीज का एग्जांपल है। OSI मॉडल पेपर वर्क पे ज्यादा फोकस कर रहा था और TCP/IP पे जो रिसर्च कर रहे थे या इस मॉडल पे जो काम कर रहे थे उस वक्त तक ये नाम नहीं आया था TCP/IP। तो जो अमेरिकन डिफेंस काम कर रही थी उनका फोकस था कि यार कैसे भी करके हम डिपेंडेंट ना रह जाए इन हार्डवेयर पे और हम अपना एक नेटवर्क एस्टैब्लिश कर सके। और ये नेटवर्क एस्टैब्लिश वो क्यों करना चाहते थे? रशियंस से बचने के लिए, बिकॉज उस टाइम सोवियत यूनियन जो है USSR वो बड़ा पावरफुल था, रशिया बड़ा पावरफुल था और अमेरिकन डिफेंस एक ऐसा नेटवर्क चाहता था जिसे रशिया इंटरसेप्ट ना कर सके या रशिया उसमें उसको मतलब उसके अंदर एंटर ना कर सके। तो अमेरिकन डिफेंस एक ऐसे नेटवर्क पे काम कर रहा था, तो उस वक्त इन दोनों पे अलग इन पे अलग अलग रिसर्च चल रही थी, तो भैया इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात ठीक है कि जब अभी हम लेयर बनाएंगे ना तो वो आप कहेंगे कि यार ये इससे मैच खा रही है, बिल्कुल एक जैसी लग रही है या नाम भी सेम है, वो एक आप ये कहें उसकी भी मैं कहानी बताऊंगा कि वो नाम सेम क्यों है, बट इन दोनों का आज मैं जो आपको बता रहा हूं कि आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, TCP/IP मॉडल जो है और OSI जो है ये रेफरेंस मॉडल है, ये कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, बट हां
अगर आपने नेटवर्किंग समझनी है, अगर आपने नेटवर्क के फंक्शन समझने हैं, हर लेयर के फंक्शन समझने हैं, तो यस मैं अभी यही कहूंगा दिस इज द बेस्ट मॉडल टू लर्न नेटवर्किंग राइट। टीसीपी आईपी एक प्रैक्टिकल मॉडल है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है जो इस्तेमाल की जाती है और आज भी इस्तेमाल हो रही है अपने बहुत सारे बेनिफिट्स की वजह से राइट। टीसीपी आईपी के बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहां पे जो ये मॉडल है ये इंटरनेट पे कम्युनिकेशन कराने के लिए इस्तेमाल होता है राइट। अब मैं आपको जरा बताता हूं, मैं हिस्ट्री की बात आपको बता दी, मैं अब आपको बताता हूं कि लेयर्स किस तरीके से हैं और किस तरीके से इनको हमने आपस में कंबाइन किया है या बनाया है। तो देखिए यार ओएसआई मॉडल में आपको पढ़ा चुका हूं और अगर आपको ओएसआई मॉडल याद नहीं है तो भैया पहले आप याद कर लो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरी हिदायत है आपसे, अगर आपको ओएसआई मॉडल याद नहीं है, उसके लेयर्स याद नहीं है, तो पहले वो वाला लेक्चर देख लो, फिर उसके बाद ये लेक्चर बड़ा दिलचस्प लगेगा राइट। तो अभी सोचो मत, अभी आप देख लो, पहले वही लेक्चर देखो अगर आपने नहीं देखा, और अगर देखा है तो आइए वेलकम है आपका ठीक है। तो कितनी लेयर्स होती है ओएसआई में आप ही बताइए, 7 लेयर होते हैं। तो पहले बताओ ये वाली जो लेयर है नीचे वाली, इस लेयर का नाम क्या है? जिन्होंने बता दिया बड़ी सही बात है, जिन्होंने नहीं बताया वो प्लीज मेरी ओएसआई मॉडल की वीडियो देख लें। इस लेयर का नाम है फिजिकल लेयर राइट। इसके बाद जो दूसरी लेयर है वो है डेटा लिंक लेयर, जो तीसरी लेयर है वो है नेटवर्क लेयर, जो चौथी लेयर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो पांचवी लेयर है वो है सेशन लेयर, जो छठी लेयर है वो है प्रेजेंटेशन लेयर, और जो सातवीं लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। और ये लेयर 1 कौन सी है, लेयर 2 कौन सी है, ये सारी कहानी मैं अपने ओएसआई मॉडल में आपको बता चुका हूं राइट। तो वहां आप एक बार पढ़ लें। तो भैया दिस इज माय ओएसआई मॉडल राइट। अब बात आती है कि टीसीपी आईपी मॉडल क्या है। तो यार देखिए कंपेयर करके बना लेते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। आप टीसीपी आईपी मॉडल 2 तरीके से बना सकते हैं ठीक है। फिलहाल मैं वो बना देता हूं जो जनरली बहुत ज्यादा चलता है, बाकी दूसरा मॉडल भी मैं आपको बना देता हूं। चलो पहले मैं आपको इजी वाला बता देता हूं ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मैं टीसीपी आईपी बना रहा हूं। 2 तरीके से बन सकता है। अगर आपने इजी वे में बनाना है तो वो ये है, आप यहां तक इन दोनों लेयर को कंबाइन करके एक लेयर बना दो जिसका नाम आप दे दो, सॉरी इस लेयर को फिजिकली रखो, तो यहां फिजिकल है, यहां भी आप फिजिकल दे दो, डेटा लिंक है यहां भी डेटा लिंक बना दो, यहां पे नेटवर्क है यहां पर भी नेटवर्क बना दो, सेम बना दो बिल्कुल ठीक है ना, यहां पे ट्रांसपोर्ट है यहां पे ट्रांसपोर्ट बना दो, तो चारों लेयर बिल्कुल सेम बना दी, नाम भी मैंने सेम रख दिया। अब इन तीनों को बिना के आप एक लेयर बना दो, उसका नाम दे दो एप्लीकेशन लेयर, यानी इन तीनों के जो काम है वो काम वही रहेंगे पर वो एक ही लेयर काम करेगी राइट। तो यहां पे हमने तीनों को मिला के एक ही लेयर कर दिया है एप्लीकेशन लेयर राइट। तो यहां पे कुल मिला के टीसीपी आईपी में कितनी लेयर नजर आ रही है आपको, 1 2 3 4 5 5 लेयर आपको नजर आ रही है जो फराउजन के अंदर दिया गया है राइट। तो यहां पे 7 लेयर थी, यहां 5 कर दी, क्या किया मैंने इन तीनों को मिला के एक कर दिया, कुछ नया काम नहीं किया। तो ये भी टीसीपी आईपी मॉडल है। अब मैं आपको दूसरा मॉडल दिखाता हूं, तो आप ये बनाए या जो मैं आप बना रहा हूं वो बनाए, एक ही बात है, तो आप ये भी बना सकते हैं राइट। और ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं वो भी बताऊंगा अभी आपको राइट, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा लेक्चर आपको भी YouTube पे नहीं मिलेगा, आप इसको एंड तक जरूर देखें। अब यहां पे जो बनाना है इन दोनों को मर्ज कर दीजिए और यहां इसको नाम दे दीजिए नेटवर्क एक्सेस लेयर, ये भी टीसीपी आईपी ही है राइट, नेटवर्क एक्सेस लेयर। उसके बाद इस लेयर को नाम दे दीजिए, जो नेटवर्क वाली लेयर है ना इसको नाम दे दीजिए आप इंटरनेट लेयर, क्योंकि हमारा टीसीपी आईपी मैंने आपको बताया इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए ही इस्तेमाल होता है, तो यहां पे इस लेयर का नाम भी हो जाएगा इंटरनेट लेयर। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसका नाम हो जाएगा होस्ट टू होस्ट लेयर, या फिर इसका एक नाम और है That is ट्रांसपोर्ट लेयर राइट। तो वो तो इसका है, तो होस्ट टू होस्ट आप इसे कह सकते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर भी आप इसे कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड इन तीनों को कंबाइन करके आपने बना देना है एप्लीकेशन लेयर राइट।
ये भी TCP/IP है, तो जो पहले बनाया था वो भी TCP/IP था, ये भी TCP/IP है। आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हटा के खाली होस्ट टू होस्ट कर दें, ये भी TCP/IP है। आप यहाँ पे होस्ट टू होस्ट हटा के ट्रांसपोर्ट लिख दें, वो भी TCP/IP है। तो भैया इतने सारी मतलब अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें हैं, जैसे मैंने पहले वाला बनाया वो भी TCP/IP था, आपको बहुत सारी किताबों में मिलेगा, ये भी TCP/IP है, आपको बहुत सारी किताबों में मिलेगा। तो इतने सारे फर्क क्यों है, अलग अलग किताबों में चीज अलग क्यों है? क्योंकि मेरे भाई वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पेपर वर्क किया ही नहीं था, समझ आ गई बात? उन्होंने पेपर वर्क नहीं किया था, उन्होंने तो इंप्लीमेंट कर दिया। आप समझिए मेरा पॉइंट, समझिए आप, जो आपको दुनिया भर में कहीं नहीं बताया जाएगा। उन्होंने पेपर वर्क कर दिया, ये पेपर वर्क तो हम कर रहे हैं अपने हिसाब से कि उन्होंने यार क्या किया है, अच्छा चलो बैठ के समझते हैं उन्होंने क्या किया होगा और ये किस लेयर पे काम कर रहा होगा। तो ये फिर बाद में हमने खुद से बनाया है, आप समझिए बात को। या फिर ये आप ये कह लें कि हमने अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से किसी ने कहा कि अच्छा इसको इन्होंने ये लेयर माना है, इसको ये माना है, इसको ये माना है, इसको ये माना है, या फिर किसी ने कहा कि अच्छा इन्होंने ये चारों लेयर तो यही रहेंगी, इन तीनों को मिला के इन्होंने एप्लीकेशन कर दिया है। तो TCP/IP लेयर में इसीलिए कई किताबों में आपको चार लेयर नजर आती है और कई में आपको पांच नजर आती है, आपको कहीं भी एक फिक्स मॉडल नहीं नजर आता। उसका रीजन यही है कि TCP/IP की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कहीं ऐसा डिफाइन नहीं है दैट इट हैज 4 लेयर और इट हैज 5 लेयर। इसीलिए मेरे भाई आप कोई भी मॉडल बनाए TCP/IP का, चाहे ये 4 लेयर मॉडल बना दें, चाहे जो मैंने पहले बनाया था 5 लेयर मॉडल वो बना दें, दोनों ही सेम है। और रही बात इनकी लेयर्स की वर्किंग की, तो वो सेम होगी जो OSI मॉडल में है, उसमें कोई फर्क नहीं है, राइट? फर्क सिर्फ ये है कि आखिर ये लेयर्स को किस तरीके से हमने यहां पे डिफाइन किया है, राइट? अब जैसे कि यहां पे देखिए फिजिकल लेयर का काम आपको पता है, मैं आपको एक चीज और बता दूं यहां पे, जैसे कि आप थोड़ा सा डीप में चलते हैं, यहां पे जो यहां से यहां तक आपकी इंफॉर्मेशन होती है, सपोज आपने कोई डेटा सेंड किया आपने कंप्यूटर से, राइट, कोई मेल आपने भेजा, तो आप जो मेल भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, वो सबसे पहले आपकी जीमेल एप्लीकेशन के थ्रू या किसी के भी थ्रू एप्लीकेशन लेयर पे आएगी, राइट, और उसके बाद प्रेजेंटेशन पे जाएगी, फिर सेशन पे, फिर ट्रांसपोर्ट पे। तो आपने याद रखना है यहां से यहां तक इस लेयर पे आपकी इंफॉर्मेशन डेटा की फॉर्म में रहती है, या आप उसे डेटा कह सकते हैं, PDU कह सकते हैं। उसके बाद इस लेयर पे वो डेटा कन्वर्ट हो जाता है सेगमेंट में, राइट, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और नेटवर्क लेयर पे वो सेगमेंट कन्वर्ट हो जाता है पैकेट में, और डेटा लिंक लेयर में वो पैकेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रेम में, और फिजिकल लेयर में वो पैकेट कन्वर्ट हो जाता है, वो फ्रेम कन्वर्ट हो जाता है बिट्स में, और बिट्स से फिर फाइनली वो तार में जो भी केबल है, जो भी फाइबर केबल है या कॉपर केबल है, कोएक्सियल केबल है, उनमें वो बिट्स की फॉर्म में आपके एनालॉग सिग्नल हाई वोल्टेज लो वोल्टेज की फॉर्म में वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। अगर वो ऑप्टिकल फाइबर है तो लाइट पल्सिस की फॉर्म में, नो पल्स और पल्स की फॉर्म में वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, राइट? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यही काम यहां पर भी हो रहा है, यही काम यहां पर हो रहा है। एप्लीकेशन लेयर पे ये डेटा है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे या होस्ट टू होस्ट लेयर पे ये डेटा बन जाएगा, सेगमेंटेशन सेगमेंट बन जाएंगे, राइट? तो अब बात करते हैं कि भैया इन लेयर में ये क्या क्या काम करते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे लेयर आपको मालूम है, मैं एक बार फिर भी आपको बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि TCP/IP मॉडल में क्या क्या काम होते हैं। अब इसको डिफाइन करने से पहले यहां पे जो मैंने थ्योरी लिखी है अब उसको देख लेते हैं। कहानी हम समझ चुके हैं, OSI मॉडल हमें समझ आ चुका है और मुझे भी काफी पसीना आ चुका है, ठीक है? तो चलिए, द प्रोटोकॉल दैट मेक अप TCP/IP डिफाइंस हाउ डेटा इज ट्रांसमिट अक्रॉस आवर नेटवर्क, हाउ डेटा शुड बी फॉर्मेटेड सो अदर नेटवर्क सिस्टम कैन अंडरस्टैंड इट। ये भैया दो मसले थे इनके साथ, एक तो कि मेरा डेटा नेटवर्क पे ट्रांसमिट कैसे हो, और दूसरा कि उसका फॉर्मेट क्या हो कि दूसरा बंदा समझ सके। मैंने आपको बताया कि अमेरिका का कंप्यूटर पहले अमेरिका के साथ बात कर सकता था, यूरोप वाले कंप्यूटर के साथ बात नहीं कर सकता था। तो कोई ऐसा एक कॉमन फॉर्मेट हो, या अगर दूसरे फॉर्मेट भी हैं तो फिर वो कन्वर्जन करना जानता हो कि भैया यहां पे ABC ASCII कोड चलता है, यहां पे EBCDIC कोड चलता है, तो इनका कन्वर्जन मुझे करना पड़ेगा। तो कहीं पे कोई लेयर ये बात को समझती हो, राइट, कि ये कंप्यूटर एक अलग फॉर्मेट पे काम करता है, ये कंप्यूटर एक अलग फॉर्मेट पे काम करता है, तो कन्वर्जन पहले करना पड़ेगा अगर इसको ये डेटा डिकोड करना है, राइट? तो वो उसको समझ आनी चाहिए, नेटवर्क को वो समझ होनी चाहिए। तो ये दो मेन मसले थे जो प्रोटोकॉल TCP/IP की हेल्प से हमें सॉल्व करने थे। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट फीचर्स जिन्होंने TCP/IP को बनाने में मदद करी और ये सेंट्रलाइज जो एक नेटवर्क था उसको डिसेंट्रलाइज किया, जो पहले एक ही कंपनी के हाथ में था कि भैया मेरे ही नेटवर्क आपको चलाना पड़ेगा, मेरे ही डिवाइस आपको चलाने पड़ेंगे, उसको डिसेंट्रलाइज करने का जो काम किया, वो फीचर्स, वो जो दो
इंपॉर्टेंट काम थे जिसकी वजह से ये डिसेंट्रलाइज हो पाया वो क्या थे, एंड नोड वेरिफिकेशन, राइट। एंड नोड वेरिफिकेशन का मतलब है द टू एंड पॉइंट ऑफ एनी डेटा ट्रांसफर आर रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग श्योर इट वाज सक्सेसफुल, यानी सेंडर और रिसीवर का एड्रेस ही सिर्फ इंपॉर्टेंट होगा, आपको सिर्फ डेस्टिनेशन एड्रेस मालूम होना चाहिए, बीच में कितने सारे राउटर्स हैं, क्या क्या कहां कहां से पैकेट जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन किसी के पास होने की जरूरत ना हो। एक ऐसा नेटवर्क यूएस डिफेंस तैयार करना चाहता था जहां इट इज अ काइंड ऑफ टीसीपीआईपी मॉडल को आप एक पोस्ट ऑफिस की तरह समझें, जहां पे आप बंदे के घर का पता डाल देते हैं, उसके बाद आपको इससे मतलब नहीं है कि वो लेटर अब गाड़ी से जाएगा, हवाई जहाज से जाएगा, या वो लेटर दिल्ली से होता हुआ बैंगलोर जाएगा, या वो लेटर जो है कोलकाता से होता हुआ बैंगलोर जाएगा, आपको इससे मतलब नहीं है। आपने तो सिर्फ उस बंदे के घर का पता डाल देना है, पोस्ट ऑफिस उसको कैसे भेजे आपको मतलब नहीं है, भले ही वो कबूतर में बांध के उसे भेजे, समझ आई बात। तो ये ही यूएस डिफेंस चाहता था कि भैया मैं जो पैकेट भेजूं, मैं जो इंफॉर्मेशन भेजूं वो सेंडर पे पहुंच जाए और किसी को ये मालूम ना हो कि ये कैसे कैसे जा रहा है, ताकि रशियन, उनको सबसे ज्यादा खतरा रशियन से ही था और आज भी है। तो वो ये चाहते थे कि वो इस चीज को फिर हमारे जो नेटवर्क को ब्रेक ना कर सके, इसके अंदर की कमजोरियां ना निकाल के ला सके कि यार इसका रास्ता ये है और इनके सारे पैकेट ऐसे जाते हैं, काम करो यहां पे अटैक करो। तो ये नेटवर्क जो है इसको सिक्योर करने के लिए वो ये चाहते थे कि इसे डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, ताकि मेरा पैकेट कहां से ट्रेवल होता हुआ जा रहा है ये किसी को मालूम ना हो, हर बार वो एक नए रास्ते से जा सके, उसके पास बहुत सारे रास्ते हो जाने के, राइट। तो एंड नोड वेरिफिकेशन सिर्फ उन्होंने लगाया कि सेंडर और रिसीवर मुझे मालूम होना चाहिए और डायनामिक राउटिंग मेरे पास होनी चाहिए, यानी जाने के रास्ते बहुत सारे होने चाहिए। अगर मुझे यहां से कनाडा जाना है तो कनाडा जाने के लिए मेरे पास कई सारे रास्ते होने चाहिए, या अगर मुझे यहां से दुबई जाना है तो मेरे पास कई सारे रास्ते होने चाहिए दुबई तक जाने के, राइट। तो डायनामिक राउटिंग ने ये पॉसिबल किया, टीसीपीआईपी मॉडल की हेल्प से डायनामिक राउटिंग पॉसिबल हो पाई और एंड नोड वेरिफिकेशन पॉसिबल हो पाया, राइट। तो डायनामिक वेरिफिकेशन और एंड नोड, डायनामिक राउटिंग और एंड नोड वेरिफिकेशन, ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं टीसीपीआईपी के, जिसकी बदौलत ये आज तक मार्केट में इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत अच्छे से ये इंटरनेट पे काम कर रहा है। इसके ये दो ही फीचर्स हैं, एक डायनामिक राउटिंग और एक एंड नोड वेरिफिकेशन। आपको ये याद रखनी है, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आपकी किताबों में भी शायद आपको ये ना मिले, तो आपको ये याद रखना है, इन्हीं दो रीजंस की वजह से टीसीपीआईपी मॉडल आज तक इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है कि किन चीजों को टीसीपीआईपी ने बेहतर बहुत अच्छे से रिजॉल्व किया प्रॉब्लम्स को। तो यार नेटवर्क के ऊपर हमारे पास पांच इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं जो मैंने यहां पे लिख दिए हैं। पहला इशू होता है एड्रेसिंग का, कि ये मेरा डिवाइस है, इसका मैक एड्रेस ये है तो इसका आईपी एड्रेस क्या होगा, या इसका आईपी एड्रेस ये है तो इसका मैक एड्रेस क्या होगा, एड्रेसिंग का इशू सबसे ज्यादा आता है। फिर इशू आता है राउटिंग का, कि भैया ये जो पैकेट है ये कैसे जाएगा, ये कहां से जाएगा, ये किस रास्ते से होता हुआ, किस किस राउटर से होता हुआ जाएगा। तीसरा आता है नेम रिजोल्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे लोगों को नहीं पता। यार मैं आपको बता दूं कि आप जब लिखते हो ना www.google.com या facebook.com, जब आप ये लिखते हो तो आप तो facebook.com लिखते हो और क्लिक करते हो, फेसबुक का पेज ओपन हो जाता है, बट बैक एंड पे DNS की हेल्प से, डोमेन नेम सिस्टम जो होता है उसकी हेल्प से, ये www.facebook.com एक आईपी में कन्वर्ट हो जाता है। आई डोंट नो उसका एग्जैक्ट आईपी क्या है, बट मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं कि ये इसका आईपी है। तो कंप्यूटर जो है, ये जो DNS है, ये जो DNS सर्वर है, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं इसको, ये या डोमेन नेम सर्वर इसको कहते हैं, तो डोमेन नेम सर्वर जो है ये इस नेम को रिजॉल्व करके आईपी में कन्वर्ट करता है, बिकॉज राउटर नाम नहीं समझता, राउटर आईपी एड्रेस समझता है, लॉजिकल एड्रेसिंग समझता है। आपको ये चीज नहीं मालूम है तो आप मेरे वीडियो देखें, नेटवर्किंग के वीडियोस में अवेलेबल है। तो राउटर जो है वो आपका जो है लॉजिकल एड्रेसिंग समझता है, यानी कि आईपी एड्रेसिंग समझता है। तो DNS सर्वर क्या करता है, वो इस नेम को रिजॉल्व करता है आईपी में, राइट। और अगर आप उसको आईपी देते हो तो वो उसको नेम में भी बता देगा कि ये किसका आईपी है या किस वेबसाइट का आईपी है, राइट। तो नेम रिजोल्यूशन भी एक मेरे पास था कि भैया नाम को रिजॉल्व कर दे तुरंत और आईपी तक मुझे लेके चला जाए। चौथा था फ्लो एंड एरर कंट्रोल, कि भैया जो भी डेटा जा रहा है वो उसका फ्लो कंट्रोल भी करे और एरर कंट्रोल
भी करें, वो कैसे होगा कि सपोज मैं जो है 10 Mbps की स्पीड से भेज रहा हूं पर सामने वाले बंदा जो है वो 2 Mbps की स्पीड से ही रिसीव कर रहा है, तो जब 10 और 2 होगा तो ऑब्वियसली कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, पैकेट लॉस होंगे, बिकॉज मैं तेजी से दिए जा रहा हूं वो उतनी तेजी से एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो पैकेट लॉस होते चले जाएंगे, राइट। जैसे आप ऐसे समझेंगे कोई आपको कुछ चीजें पकड़ा रहा है और धीरे धीरे वो अपनी स्पीड बढ़ाता चला जाए तो चीजें गिरनी शुरू हो जाएंगी आपके हाथ से, राइट। तो फ्लो एंड एरर कंट्रोल भी बड़ा जरूरी था, इसके लिए हमने कई सारे प्रोटोकॉल लेके आए। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल बड़ा फेमस है, तो कभी मौका लगा तो उसकी वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा। और इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि भैया जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज इस्तेमाल करते हैं वो भी आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो इन पांचों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था हमने TCP/IP मॉडल की हेल्प से, राइट। तो इसके इन पांचों लेयर ने इन पांच प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। सबसे पहले आई हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। देखिए मेरे पास ये चार लेयर है, सॉरी यहां पे मैंने पांच वाला मॉडल भी बना सकता हूं, चार वाला भी बना सकता हूं, मैंने आपको बता दिया, तो फिलहाल मैं चार वाला बना रहा हूं। तो यहां पे एप्लीकेशन लेयर जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है मेरे डिवाइसेस के साथ, आप मेरे कंप्यूटर के साथ कह लें, मेरे मोबाइल के साथ कह लें, उसके साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, क्योंकि जितनी भी आपके लैपटॉप में सिस्टम में एप्लीकेशंस पड़ी हैं वो कहीं ना कहीं इसी लेयर से कनेक्टेड है, राइट। आप जीमेल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, स्काइप चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, वो एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन लेयर हमेशा यूजर से कनेक्टेड होती है, यूजर हमेशा इसी लेयर के साथ कनेक्ट होता है, इन लेयर से वो कभी कनेक्ट नहीं होता, राइट। तो यूजर हमेशा डायरेक्टली जो कनेक्टेड होता है वो यहां पे कनेक्ट होता है, राइट, एप्लीकेशन लेयर पे वो कनेक्टेड होता है, या फिर वो फिर रिसीवर साइड पे होगा तो वो फिजिकल लेयर के थ्रू कनेक्टेड होगा, राइट। तो एप्लीकेशन लेयर पे जो जनरली मैंने आपको बताया कि स्काइप है, फेसबुक है, जितनी भी एप्लीकेशन आप लैपटॉप में चलाते हैं वो सारी इसी लेयर पे काम करती है। तो जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स इस लेयर पे काम करते हैं उनमें एक तो ये DNSSEC है, इसके अलावा DHCP है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल भी यहां पे काम करता है, FTP प्रोटोकॉल यहां पे काम करता है, TFTP प्रोटोकॉल यहां पे काम करता है, SMTP प्रोटोकॉल यहां पे काम करता है, SNMP प्रोटोकॉल यहां पे काम करता है, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो इस लेयर पे काम करते हैं। इन प्रोटोकॉल्स की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल समझने के लिए आप इतना समझिए कि इंटरनेट पे जाने के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं वो सारे प्रोटोकॉल इसी लेयर पे काम करते हैं। जैसे HTTP आप इसी की हेल्प से इंटरनेट पे जाते हैं, इसीलिए जब भी आप लिखते हैं www.facebook.com जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको ऊपर नजर आ जाता है HTTP लिखा हुआ, इससे पहले लिखा आ जाएगा HTTP, आपने कभी नोटिस किया? क्यों? क्योंकि ये HTTP पोर्ट के थ्रू ही आपकी ये रिक्वेस्ट जाती है इंटरनेट तक, राइट। तो ये वो सारे प्रोटोकॉल हैं जो इंटरनेट तक ले जाने में आपको मदद करते हैं, तो वो सारे प्रोटोकॉल यहां इस्तेमाल होते हैं। हर प्रोटोकॉल का अलग मतलब है, जैसे ये मेल के लिए होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल ट्रांसफर के लिए होता है ये प्रोटोकॉल, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, इनकी बात हम बाद में करेंगे, बट आप सिर्फ फिलहाल इतना समझ लीजिए कि एप्लीकेशन लेयर पे जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो आपकी स्काइप हो, फेसबुक हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन की एप्लीकेशन हो, उन सबको सपोर्ट करने के लिए ये लेयर बनी होती है जो यूजर्स को डायरेक्ट इंटरफेस प्रोवाइड कराती है, आप ये भी कह सकते हैं, राइट। तो यूजर को जो इंटरफेस मिलता है वो एप्लीकेशन लेयर पे मिलता है। उसके बाद जो लेयर आती है वो आती है होस्ट टू होस्ट लेयर, या फिर इसे आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट। तो इसे आप ट्रांसपोर्ट लेयर भी कह सकते हैं। इस लेयर पे जो प्रोटोकॉल काम करते हैं वो होते हैं TCP और UDP, ये दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, और इसी TCP और यहाँ पे इस लेयर पे जो IP काम करता है, इन दोनों की हेल्प से ही इस मॉडल का नाम बना है TCP/IP। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों लेयर कितनी इंपॉर्टेंट होंगी, जिसकी नाम पर ही इस पूरे मॉडल का नाम बना है, राइट। देखिए TCP का काम क्या है, और उस UDP भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर TCP इस्तेमाल नहीं हो रहा तो फिर UDP इस्तेमाल हो रहा होगा, राइट। तो इसके डिफरेंसेस भी मैं आपको इसी वीडियो में शॉर्ट में बता दूंगा। TCP प्रोटोकॉल जो है ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, यानी सेंडर और रिसीवर दोनों के दरमियान जो है एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। जब सेंडर कोई पैकेट भेजेगा तो रिसीवर उसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भाई इस नंबर का पैकेट मुझे रिसीव हो गया है। अगर कोई पैकेट इसने भेजा और उसको रिसीव नहीं हुआ तो ये वो भेजेगा कि यार पैकेट नंबर 1, 2, 3 तो रिसीव हो गया, 4 नंबर का नजर नहीं आ रहा, 5वां भी मुझे मिल गया है तो 4th मुझे नहीं मिला है, तो ये समझ जाएगा कि अच्छा 4th इसको नहीं मिला, ये उसको रिट्रांसमिट करेगा, राइट। सो रिट्रांसमिशन इज देयर,
लेयर। तो यहां पे अगर कोई पैकेट ड्रॉप हो जाता है या फेल हो जाता है तो ये उसको रिट्रांसमिट करता है, रिट्रांसमिशन, राइट। तो टीसीपी आईपी जो है इसका बेनिफिट ये है कि कोई भी पैकेट लॉस नहीं होता, आपको ये रिट्रांसमिट करता है। जब आप कोई ईमेल भेज रहे हैं और उसमें आपने 10 पेज भेजे हैं, आपको 9 मिल गए लेकिन 10वां नहीं मिला, तो हो सकता है उस 10वें में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हो, आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ है उस 10वें पेज पे लिखा हो। अगर वो आपको मेल में नहीं मिला तो फिर पूरी मेल यूजलेस है यार, ओके। तो कहीं ना कहीं आपको वो 10 के 10 पेज चाहिए। तो टीसीपी ये एंश्योर करता है कि आपको आपका डेटा इंटैक्ट मिले, उसी सीक्वेंस में मिले जिस सीक्वेंस में भेजा गया है, राइट। तो टीसीपी आईपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, रिट्रांसमिशन करने की कैपेबिलिटी रखता है, और ये जनरली इस्तेमाल किया जाता है नॉन रियल टाइम डेटा के लिए। नॉन रियल टाइम जैसे आपने किसी को मेल भेजा तो जरूरी नहीं है कि वो मेल को उसी टाइम पढ़े, हो सकता है वो 2 दिन बाद खोल के देखे। तो जो डेटा डॉक्यूमेंटेशन होती है, जितने भी टाइप का डॉक्यूमेंट रिलेटेड डेटा है, वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल, वो सारी हमेशा टीसीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से ही जाती है, नॉन रियल टाइम डेटा। तो इसीलिए यहां पे जो है इसमें आप ये कह सकते हैं दिस इज स्लो इन कंपैरिजन टू यूडीपी। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्नॉलेजमेंट ये दे रहा होता है तो इसको बेचारे को बहुत सारे अलग से एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं, तो ये स्लो हो जाता है, क्योंकि एक पैकेट भेजने के बाद इसको ये भी बताना पड़ता है कि वो मिला कि नहीं मिला, राइट। तो स्लो इन कंपैरिजन टू यूडीपी, बट टीसीपी इज वेरी रिलायबल। ये बड़ा ही रिलायबल है क्योंकि एक एक पैकेट की इंफॉर्मेशन ये आपको देता है कि वो पहुंचा या नहीं पहुंचा। इसी वजह से टीसीपी आईपी इस मॉडल में हमने टीसीपी का नाम रखा है, यूडीपी का नाम नहीं रखा, राइट। अदरवाइज यूडीपी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे काम करता है, इससे थोड़ा सा अलग होता है। यूडीपी के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी को वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, किसी को वॉइस कॉलिंग कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख रहे हैं, तो उन सभी पे मेरे भाई यूडीपी इस्तेमाल होता है, क्योंकि आप उन सभी एप्लीकेशंस में रियल टाइम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। बिकॉज किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं तो आप लाइव बात कर रहे होते हैं, यानी उसी टाइम पे वो भी बोल रहा होता है और आप भी बोल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अभी बात कर रहे हैं, वो बंदा कल बात कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो रियल टाइम एप्लीकेशन जहां पर भी होगी, वीडियो कॉलिंग हो रही है हैंड टू हैंड, वॉइस कॉलिंग हो रही है हैंड टू हैंड, तो वहां पर यूडीपी इस्तेमाल किया जाता है, राइट। क्योंकि यहां पर एक्नॉलेजमेंट नहीं देता, इसीलिए यह फास्ट होता है, और यहां पर रिट्रांसमिशन भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला और भाई कैसे हो और वो चीज वहां पे कट गई, तो आपको वो थोड़ी देर बाद वो रिट्रांसमिट करके भेजे, जब मैं आपको गालियां सुना रहा हूं उस वक्त आपको सुनाई दे और भाई कैसे हो, तो आप भी हैरान हो जाओगे, अभी तक तो गालियां सुना रहा था, आप कैसे पूछ रहा है और भाई कैसे हो, तो कोई लॉजिक नहीं बनता, राइट। तो बातें आपकी कुछ की कुछ हो जाएंगी, तो कोई लॉजिक नहीं है। तो रिट्रांसमिशन यहां पर नहीं होता यूडीपी में, इसीलिए फोन पे आपने नोटिस किया होगा अगर किसी की आवाज कट गई तो कट गई, वो दोबारा सुनाई नहीं देती, आप उसको बोलते हो यार दोबारा बोलो तुम्हारी आवाज कट रही है, राइट। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि यूडीपी के अंदर रिट्रांसमिशन है ही नहीं, टीसीपी के अंदर रिट्रांसमिशन होता है। इसीलिए कई बार कोई मेल आपका फ्रेंड आपके बगल में बैठ के आपकी मेल आईडी पे सेंड करता है पर एकदम से आपको नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हो सकता है वो बीच में कहीं डिले हो गया और ड्रॉप हो गया और पैकेट लॉस हो गए, तो वो रिट्रांसमिट होती है, बट आपके पास आएगी जरूर, भले ही 5 मिनट बाद वो आए, भले ही 10 मिनट बाद वो आए, वो आपके पास आएगी जरूर। तो टीसीपी और यूडीपी इस लेयर पे काम करते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ आ गया। एक बार ये पता चल गया कि कनेक्शन ओरिएंटेड है, डेटा प्रॉपरली सेंड हो जाएगा, उनका फ्लो कंट्रोल हो जाएगा, एरर कंट्रोल हो जाएगा, वो सारा काम इसने संभाल लिया, तो भैया इंटरनेट लेयर का काम आता है। इंटरनेट लेयर पे आपका काम करता है आईपी, राइट। तो आपकी जो आईपी होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो काम करता है इस लेयर पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम है आपके सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस बताना, सेंडर एंड रिसीवर आईपी एड्रेस, रिसीवर एड्रेस। उसके बाद आपकी राउटिंग आपको बताना कि आपको कौन से रूट से जाना है, कौन सा रूट बढ़िया रहेगा, वो सारी चीजों का आपको इंफॉर्मेशन देना, सेंडर कौन सा है, रिसीवर कौन है, उसका आईपी क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है इस लेयर पे। इसी लेयर पे राउटर काम करते हैं, और इंटरनेट लेयर जैसे कि ओवरसाई में नेटवर्क लेयर होती है, सेम काम है इंटरनेट लेयर पे, राइट। यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल काम करता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल अगेन मैं आपको बता
दूं कि ये भी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, राइट? ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और इस लेयर पे काम करता है, या फिर OSI की नेटवर्क, आप कह सकते हैं कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और TCP/IP में तो उसकी खुद की लेयर है, इंटरनेट लेयर, राइट, जहां पे ये काम करता है IP, राइट? तो IP का काम ही है इंटरनेट पे एक सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कराना, या इस बंदे ने कोई फाइल भेजी है तो वो दूसरे IP पे पहुंच जाए सक्सेसफुली, ये चीज कंफर्म करना या एंश्योर करना। नेटवर्क लेयर पे या नेटवर्क एक्सेस लेयर पे, सॉरी, नेटवर्क एक्सेस लेयर मैंने आपको बताया ये कॉम्बिनेशन है फिजिकल लेयर का और डेटा लिंक लेयर का, यानी यहां पे मैक एड्रेस पे काम हो रहा होता है जो OSI की डेटा लिंक लेयर पे होता है। तो मैक एड्रेस क्या होगा, यहां पे फ्रेम्स भी बनते हैं, ऑफ कोर्स यहां पे फ्रेम बनेंगे क्योंकि वहां पे डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम बनते हैं, और उसके बाद फिजिकल लेयर पे वो फ्रेम जो है वो बिट में कन्वर्ट होता है और फिर ट्रांसमिट होता है, तो वही सारे काम यहां पर भी हो रहे होते हैं। तो अगर आपको इनकी फंक्शनैलिटी लिखने की बात आ जाए तो आपने सेम लिखनी है जो OSI मॉडल में आप लिखते हो, बस आपको याद रखना है जब नेटवर्क एक्सेस लेयर की फंक्शनैलिटी आप लिखोगे तो डेटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटी और फिजिकल लेयर जो कि OSI में से कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं उन दोनों की फंक्शनैलिटी आपको लिखनी पड़ेगी। दोनों की ही लिखोगे तब जाके ये बनेगी, बिकॉज ये उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। जब आप इंटरनेट लेयर की फंक्शनैलिटी लिख रहे हो तो नेटवर्क लेयर की जो भी फंक्शनैलिटी होती है सेम टू सेम आप लिख दो इंटरनेट लेयर की फंक्शनैलिटी, कोई मसला नहीं है, राइट? अगर प्रोटोकॉल्स की बात आप करेंगे तो यहां पे जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, ये भी मैं बता देता हूं, हालांकि ये आते नहीं है बट कई बार कंपटीशन में आ जाते हैं कि ये किस लेयर के प्रोटोकॉल है। ICMP है, IGMP है, IP है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये जो प्रोटोकॉल है इनकी बात मैं बाद में करूंगा, बट ये इंटरनेट लेयर पे ये प्रोटोकॉल काम करते हैं, राइट? तो आपको ये भी पता होना चाहिए इंटरनेट लेयर पे ये प्रोटोकॉल काम करते हैं, होस्ट टू होस्ट लेयर पे ये प्रोटोकॉल काम करते हैं, और एप्लीकेशन लेयर पे ये प्रोटोकॉल काम करते हैं। नेटवर्क लेयर पे या फिजिकल लेयर पे ऐसे बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स नहीं होते हैं तो उनको हम डिस्कस भी नहीं कर रहे, राइट? तो आई होप TCP/IP मॉडल आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात रह गई है तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। TCP और UDP के डिफरेंसेस जनरली पूछे जाते हैं अगर आप BTech कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, तो बुनियादी डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं। TCP इज कनेक्शन ओरिएंटेड और ये नॉन रियल टाइम एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि UDP जो है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे कि वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, स्काइप पे या यूट्यूब अगर आप देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स आप अगर देख रहे हैं, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, राइट? तो आप समझ सकते हैं UDP जो है ये फास्ट होता है इसीलिए रियल टाइम एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, TCP स्लो होता है, बट स्लो होने के साथ साथ उसका फायदा भी है कि ये रिलायबल होता है, एक भी पैकेट अगर ड्रॉप हो गया तो उसको भी वो रीट्रांसमिट करता है, जबकि UDP में जो पैकेट लॉस हो गया वो लॉस हो जाता है, वो उसको रीट्रांसमिट नहीं करता, राइट? उसके अलावा TCP/IP आपको समझ आ गया है, आपको पता चल गया है कि भैया OSI और TCP/IP में एज सच कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग रिसर्च हुई थी, अलग अलग जगह पे काम हुआ था। TCP/IP मॉडल जो है US डिफेंस ने अपने लिए बनाया था और जनरली आपको मैं बता दूं कि 1970 के आसपास दो ही नेटवर्क होते थे और उनमें एक नेटवर्क का नाम जो था 1970 के अंदर उसका नाम था लोकल एरिया नेटवर्क जिसे आप LAN कहते हैं और दूसरा जो नेटवर्क था वो था ARPANET। तो इन्होंने ये जनरली जो बनाया था ये ARPANET के लिए ही इन्होंने बनाया था जिसे बाद में इन्होंने DARPANET कर दिया था शायद इसका नाम, मैं श्योर नहीं हूं, एक बार आप देख लेना। तो ये US डिफेंस का नेटवर्क था जिसका नाम था DARPANET या ARPANET जो था इन्होंने, इस पे इन्होंने TCP/IP को इंप्लीमेंट किया था, राइट? लोकल एरिया नेटवर्क के लिए तो ऑलरेडी जो भी नेटवर्क था वो उन्होंने रखा था, बट उन्होंने अपने डिफेंस के नेटवर्क के लिए इस मॉडल को बनाया था जिसे बाद में सक्सेसफुल होने पर उन्होंने इसको यूनिवर्सिटीज को और सभी सरकारी दफ्तरों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया, और जब ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और बहुत सक्सेसफुली काम करने लगा तो उन्होंने इसे यूनिवर्सिटी और सरकारी दफ्तरों से ही नहीं बाकी जगह पे भी इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, बाकी लोगों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया और फाइनली इंटरनेट पे यही प्रोटोकॉल एक्सेप्टेड होता चला गया और आज की डेट में यही प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है हमारे इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत नई नई चीजें आपको बता चली होंगी, कुछ चीजें अगर मिस हो गई हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट में लिख दिया करें ताकि बाकी लोगों को भी फायदा हो जाए, और प्लीज आप इस तरह के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पॉलिटिकल बातें फेसबुक पे
शेयर करने से या बेवजह की बातें शेयर करने से बेहतर है कि इस नॉलेज को शेयर किया जाए और दुनिया को बेहतर बनाया जाए, लोगों की जो है हेल्प की जाए, और आपको जॉब में आपको भी हेल्प मिलेगी और जो लोग इसे पढ़ेंगे वो भी आपको दुआएं देंगे। तो यार आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, और अपने क्लास में अगर आप स्टूडेंट हैं तो जरूर अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इन्हें शेयर करना आप जरूर करें, और मतलब अपने दोस्तों को बताएं कि यार ये जो है कंप्यूटर नेटवर्क के वीडियोस मुझे यहाँ पे मिले हैं या मुझे नेटवर्किंग के वीडियोस यहाँ पे मिले हैं, और आप भी पढ़ के देखो आपको नॉलेज मिलेगी। राइट, चलिए ख्याल रखिए अपना, और फाइनली बस यही कहूंगा कि दुआओं में याद रखिए।